हेलो दोस्तों, आज है 21 अगस्त 2024 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद कृष्ण द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें और अपडेट जानकारियां देखने वाले हैं। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। ना तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो माताओं और बहनों से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आपको बताते हैं। कजरी तीज का व्रत कब रखा जाएगा? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 21 अगस्त को शाम 5:06 से प्रारंभ होगी और इसका समापन 22 अगस्त को दोपहर 1:46 पर होगा। उदया तिथि के चलते कजरी तीज का व्रत 22 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जाएगा। हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का त्योहार मनाया जाता है। कजरी का अर्थ काले रंग से है और इस दौरान आसमान में काली घटा छाई रहती है, इसलिए शास्त्रों में शुभ तिथि को कजरी तीज का नाम दिया गया है। और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी के भवानी स्वरूप की पूजा का विधान है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए व्रत करती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए कजरी तीज का उपवास कर सकती हैं। है ना, और आपको बताएं आज भारत बंद रहेगा, क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा इसको लेकर भी जानकारी आपको बताते हैं। बसपा आरजेडी ने आरक्षण के मुद्दे पर बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया है। चिराग पासवान की पार्टी ने भी बंद को समर्थन दिया है। वहीं जीतन राम माझी और उनकी पार्टी ने कहा कि वे बंद के खिलाफ और इसका समर्थन नहीं करते हैं। दरअसल अनुसूचित जाति यानी एससी और जनजाति एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने आज 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया हुआ है। दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर आज भारत बंद बुलाया है। भारत बंद बुलाने वाले संगठनों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस लें या पुनर्विचार करें। क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा इसको लेकर आपको बताते हैं। एम्बुलेंस, हॉस्पिटल और चिकित्सा सेवाओं सहित इमरजेंसी सेवाएं खुली रहेंगी। सरकारी दफ्तर, बैंक, पेट्रोल पंप, स्कूल और कॉलेज में सामान्य रूप से कामकाज होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बंद के आह्वान के बावजूद सार्वजनिक परिवहन, रेल सेवाएं चालू रहेंगी। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के भी हालिया फैसले के विरोध में आज बुधवार 21 अगस्त को भारत बंद की घोषणा की है। अशांति की संभावनाओं को देखते हुए देश भर में पुलिस बलों ने अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है। एससी के भारत बंद को राजस्थान में कांग्रेस का समर्थन। जयपुर समेत 16 जिलों में आज स्कूलों में छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। जयपुर, सीकर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, डीग, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, टोंक, भीलवाड़ा, नीम का थाना, कोटा, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर में स्कूल कॉलेजों के साथ समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में भी छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। कोटा, शेखावाटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी स्थगित हो गई है। भरतपुर में संभागीय आयुक्त ने सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट सुविधा भी बंद कर दी। अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति ने भी बंद को राजस्थान में समर्थन दिया है। जयपुर में बंद के लिए समिति ने 25 टीमें बनाई हैं। झारखंड में सत्तारूढ़ जेएम पूरा समर्थन दे रही है। राज्य के कई संगठन भी साथ आए हैं। यानी आज 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान हुआ है और इससे तमाम विपक्षी पार्टियों का साथ मिल रहा है। और इसी कड़ी में राजद ने भी भारत बंद को अपना नैतिक समर्थन दिया है। राजद नेताओं ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूर्व में ही कहा था कि राजद आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं, केंद्र सरकार विसंगतियों को दूर करने के लिए अध्यादेश लाकर सुधार करें। भारत बंद को लेकर एनडीए में फूट, चिराग पासवान ने बंद का समर्थन किया है, वहीं माझी ने विरोध किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, जाकिर नाइक पर क्या बातचीत हुई है। भारत मलेशिया में 8 समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों पर गहन बातचीत हुई है। भारत और मलेशिया ने मंगलवार को फैसला किया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को समग्र रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाएंगे। दोनों देशों ने कम से कम 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से एक मलेशिया में भारतीय श्रमिकों की भर्ती को बढ़ावा देने और उनके हितों की सुरक्षा से संबंधित समझौता भी हुआ है। और सीरम इंस्टीट्यूट मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाएगा। सीईओ ने कहा कि उम्मीद है 1 साल में तैयार कर लेंगे। कोविशील्ड भी इसी कंपनी ने बनाई थी। आपको बता दें देश के सभी एयरपोर्ट बॉर्डर पर मंकी पॉक्स के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली के 3 अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड भी बना दिए गए। पाकिस्तान में 4th मामला। केंद्र सरकार ने दुनिया में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच देश के सभी पोर्ट, एयरपोर्ट के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और बीजेपी ने 9 राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। राजस्थान से केंद्रीय मंत्री रवनीत बिटू, एमपी से जॉर्ज कुरियन और हरियाणा से किरण चौधरी कैंडिडेट रहेंगे। बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द मामले से जुड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में 27 अगस्त को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने गैरकानूनी बताया था। ममता बनर्जी ने कहा था मुझे मंजूर नहीं। दरअसल ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 27 अगस्त को सुनवाई होगी। 77 जातियों को ओबीसी में शामिल करने का यह मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 77 जातियों को ओबीसी
पीसी में शामिल करने के मामले पर मंगलवार को सुनवाई करने से इंकार कर दिया और याचिका पर सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की गई है। शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल को झटका, राउच एवेन्यू कोर्ट ने 27 अगस्त तक न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। निचली अदालत अब 27 अगस्त को मामले की फिर से सुनवाई करेगी। केरल में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक 31 अगस्त से होगी। आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक इस साल केरल के पालकड़ में आयोजित की जाएगी। बैठक 31 अगस्त को शुरू होगी और 2 सितंबर तक चलेगी। इसमें विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी समेत कई संगठन शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। 18 सितंबर को वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई। कैंडिडेट की पहली लिस्ट और गठबंधन पर चर्चा की गई। इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर नई दिल्ली में सोमवार 19 अगस्त को कांग्रेस की बैठक हुई। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी कि बैठक में उम्मीदवारों के सिलेक्शन प्रोसेस और प्रोसेस की गाइडलाइन पर बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तैयारियों पर बातचीत की है। वहीं खबर है कि खड़गे और राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर बुधवार को जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद दोनों नेताओं का ये पहला दौरा है। पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो टेस्ला चीफ एलन मस्क को सलाहकार बनाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप इस साल नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क बहुत होशियार हैं और अगर वे चाहेंगे तो ऐसा किया जाएगा, मतलब चुनाव जीतने पर एलन मस्क को सलाहकार या फिर कैबिनेट का पद दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की बात कही है ना। और मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री पर फैसला वापस ले लिया। राजनीतिक विरोध के बीच यूपीएससी के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। आपको मालूम होगा अभी हाल ही में यूपीएससी ने केंद्रीय मंत्रालयों के 45 पदों के लिए लेटरल एंट्री से नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था ना। और सरकारी राशन दुकानों का कायाकल्प होने वाला है। अब जन पोषण केंद्र के रूप में इन्हें नई पहचान मिलेगी। भारत सरकार ने राशन दुकानों के लिए पायलट परियोजना शुरू की है और ये परियोजना राशन दुकानों को जन पोषण केंद्र बनाने के लिए शुरू की गई है। बांग्लादेश नहीं, अब इस देश में होगा महिला T20 वर्ल्ड कप। आईसीसी का बड़ा ऐलान हो गया है। आईसीसी ने महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 के वेन्यू को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। ये वर्ल्ड कप पहले बांग्लादेश में खेला जाना था, लेकिन आईसीसी ने वहां हुए हिंसा को देखते हुए अब अपना फैसला बदल दिया है। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन इस साल अक्टूबर के महीने में किया जाना है। अब बांग्लादेश की बजाय संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में यह आयोजित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में भूकंप के 2 लगातार झटके सुबह 6:45 पर और 6:52 पर 20 अगस्त को धरती कांपी। एक घायल हुआ, कई घरों में दरारें आई है। जम्मू कश्मीर में मंगलवार 20 अगस्त की सुबह 2 लगातार भूकंप आए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते। कोलकाता मामले में टास्क फोर्स बनाई, डॉक्टर्स की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं। इनमें 9 डॉक्टर को शामिल किया गया जो मेडिकल प्रोफेशनल की सुरक्षा, वर्किंग कंडीशन और उनकी बेहतरी के उपायों की सिफारिश करेगी। टास्क फोर्स में केंद्र सरकार के 5 अधिकारी भी शामिल किए गए। उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हड़ताल को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार से 9 सवाल। अस्पतालों की सुरक्षा के क्या इंतजाम है? क्या प्रवेश द्वार पर चेकिंग की सुविधाएं हैं? रेस्ट हाउस की संख्या कितनी है? ऐसे कमरों में क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? क्या अस्पताल के सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? मरीजों की समस्या के समाधान का प्रशिक्षण दिया जाता है या नहीं? क्या अस्पतालों के बाहर पुलिस चौकी है? क्या समस्याओं के समाधान के लिए इंटरनल कमेटियां हैं? कोर्ट ने केंद्र सरकार से 1 महीने के भीतर हलफनामे के साथ ये जानकारी देने को कहा है। पाकिस्तानी संसद में चूहों का आतंक, जरूरी फाइलें कुतरी। इन्हें पकड़ने के लिए शिकारी बिल्लियां खरीदी जाएगी। 12 लाख का बजट पास हुआ है। दरअसल पाकिस्तान में आर्थिक तंगाली के बीच देश की संसद में चूहे से निपटने के लिए सरकार ने वहां शिकारी बिल्लियां तैनात करने का फैसला किया है। पाकिस्तानी चैनल जियो टीवी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी थी। और इंसानों के लिए सांप से ज्यादा खतरनाक मच्छर, 10 लाख से ज्यादा मौत मच्छरों के कारण। हर साल 70 करोड़ लोग संक्रमित होते हैं। हीरो मोटोकॉर्प का अपडेटेड डेस्टिनी 125 स्कूटर 7 सितंबर को लॉन्च होगा। हिंदुस्तान जिंक ने दूसरे अंतरिम लाभांश का ऐलान कर दिया। 19 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देगी कंपनी। ओला ने 7 दिनों में निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया। 76 रुपए पर लिस्ट हुआ था, 157 रुपए पर पहुंच गया। ब्लॉक डील के बाद 6% टूटा। और सोशल मीडिया के जरिए स्टॉक मार्केट स्कैम भी चल रहे हैं। दुगुने मुनाफे के लालच में आपको नहीं आना चाहिए। ठगी से बचने के लिए आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में साइबर ठगों ने शेयर बाजार में निवेश करने का झांसा देकर एक युवक से अभी हाल ही में 15,49,000 रुपए ठग लिए। दरअसल फेसबुक पर शेयर मार्केट को लेकर एक विज्ञापन देखा और व्यक्ति ने संपर्क किया, एक ऐप डाउनलोड कराया, शेयर बाजार में निवेश कराया और फिर पैसा गायब हो गया। और सेंसेक्स की बात करें, 378 अंक चढ़कर 80,802 के स्तर पर बंद हो गया। निफ्टी में 126 अंक की तेजी रही। सरस्वती साड़ी का शेयर 31% चढ़कर बंद हो गया। क्रिकेटर युवराज सिंह की बायोपिक का ऐलान हुआ। सिनेमाघरों में दिखेंगे 2011 वर्ल्ड कप हीरो के 6 सिक्सेस। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 के हीरो रहे पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह का संघर्ष जल्दी बड़े पर्दे पर नजर आने वाला है। वही देखिए, 86 साल की उम्र में
पायलट बाबा का निधन हो गया है। पीएम मोदी और नीतीश भी ले चुके हैं आशीर्वाद, जमीन के नीचे समाधि लेते थे। मंगलवार को पायलट बाबा के नाम से मशहूर महायोगी कपिल अद्वैत सामनाथ गिरी ने अंतिम सांस लिए। वीवो T3 प्रो 5G स्मार्टफोन 27 अगस्त को लॉन्च होगा। इसमें 3D कार्वड डिस्प्ले के साथ स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 चिपसेट मिलने की उम्मीद है। इंदौर में चलते एक्टिवा पर शख्स को हार्ट अटैक आ गया, बेटी ने रोते हुए लोगों से मदद मांगी, पुलिसकर्मी ने CPR देकर जान बचाई। चलती एक्टिवा पर अटैक आ गया, 14 साल की बेटी ने रोते हुए लोगों से मदद मांगी और तभी वहां गुजर रहे एक हेड कांस्टेबल ने उन्हें CPR देकर उनकी जान बचाई। यहां पर हेड कांस्टेबल साहब के लिए तो एक लाइक जरूर बनता है। साथ ही आपको बताएं, छतरपुर में श्रद्धालुओं से भरा एक ऑटो ट्रक में जा घुसा, 7 लोगों की जाने चली गई है, 6 घायल और 5 गंभीर हालत में है, जिन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। ये सभी श्रद्धालु थे जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी से बागेश्वर धाम जा रहे थे। मध्य प्रदेश में 870,000 ग्रेजुएट्स बेरोजगार, 120,000 से ज्यादा युवाओं को इंजीनियरिंग के बाद भी नौकरी नहीं मिली है। राज्य सरकार ने 2 जुलाई को विधानसभा में बेरोजगारी के इन आंकड़ों की पुष्टि की है। 9% से कम ब्याज पर मिल रहा कार लोन, यूनियन बैंक 8.70% ब्याज पर कर्ज दे रहा है। लोन लेते समय इनकी अवधि का ध्यान रखें। DTH इंडस्ट्री ने 3 साल में 76 लाख ग्राहक खो दिए। देश में इसके 6,20,00,000 कस्टमर बचे। इसकी वजह है ब्रॉडबैंड और OTT की लोकप्रियता बढ़ना। हरियाणा चुनाव में सरकारी भर्ती पर रोक नहीं, HSSC विज्ञापन जारी कर सकेगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी भर्तियों पर रोक नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग आचार संहिता में भी भर्ती के विज्ञापन निकाल सकता है। पंजाब के पूर्व 4 मंत्रियों पर चलेंगे कैश, पंजाब विधानसभा स्पीकर ने मंजूरी दे दी है। कोलकाता पहुंचे चंपाई सोरेन बोले कि थोड़ा इंतजार कीजिए। JMM से अपमानित होने पर कहा, हम अपना विचार दे चुके हैं, दोहराना नहीं चाहते। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारत का मान बढ़ाया है। अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने उन्हें एक बड़े सम्मान से नवाजा है, जो उन्हें लगातार दूसरे साल मिला है। अमेरिका की फेमस मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस ने लगातार दूसरे साल उन्हें विश्व स्तर पर टॉप सेंट्रल बैंकर का दर्जा दिया है और ये अवार्ड दुनिया के कई देशों के सेंट्रल बैंकों के प्रमुखों के कामकाज का आकलन करने के बाद दिया जाता है। शक्तिकांत दास को A+ रेटिंग मिली है। रक्षाबंधन पर देश भर में 12,000 करोड़ का सोना बिका है। सोना चांदी में आयात शुल्क घटने से रक्षाबंधन पर्व पर बाजार में धन की बारिश होने की उम्मीद पहले से ही थी, जो रक्षाबंधन के मौके पर देखने को मिली है। कोलकाता से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी चल रहे हैं। अलग अलग डॉक्टर संगठनों ने एक बैठक बुलाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद, जिसके बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल को वापस लिया और इस मामले को लेकर 9 अगस्त से डॉक्टर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चिकित्सा पेशेवरों के लिए हिंसा की रोकथाम और सुरक्षित कार्य स्थितियों पर सिफारिशें करने के लिए 10 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स गठित करने का आदेश दिया और कोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है और अब वे काम पर लौट आएंगे। डॉक्टरों ने कहा कि हम हड़ताल को 45 दिन के लिए होल्ड कर रहे हैं, अभी वापस ले रहे हैं, देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। RG कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ SIT ने जांच शुरू कर दी है। RG कर मेडिकल कॉलेज हिंसा मामले में भी एक्शन हुआ है। 2 असिस्टेंट कमिश्नर समेत 3 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं। कोलकाता में डॉक्टरों के समर्थन में BJP करेगी धरना प्रदर्शन, हाईकोर्ट से 5 दिन की अनुमति मिली है। सोशल मीडिया से हटानी होगी पीड़िता की तस्वीर, कोलकाता कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा आदेश सामने आया है। अन्ना और कोलकाता मामले में जांच में राजनीतिक दबाव का पत्र जो है वो फर्जी है, CBI ने सफाई दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पत्र फर्जी है, यानी कोलकाता मामले में CBI जांच में राजनीतिक दबाव डाले जाने वाला जो एक पत्र है वो वायरल हो रहा है। CBI ने मंगलवार को इस पर सफाई दी और इसे पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। जिस अधिकारी के नाम से इसे जारी किया गया, इस नाम का कोई अधिकारी जांच एजेंसी में नहीं है। अन्ना और बदलापुर में इंटरनेट बंद, कई घंटे ठप रही ट्रेन सर्विस। 4 साल की बच्चियों से घिनौनी हरकत के बाद लोगों में काफी गुस्सा और नाराजगी है। OnePlus ने लॉन्च किए बड्स प्रो 3, प्रीमियम ऑडियो क्वालिटी और सिंगल चार्ज में 43 घंटे चलेंगे, इस तरह का दावा किया गया है। Hyundai से जुड़ी अपडेट खबर, इंडियन मार्केट में Hyundai Alcazar फेसलिफ्ट इंडियन मार्केट में 9 सितंबर को एंट्री मार सकती है। Apple ने शुरू किया बैक टू स्कूल 2024 कैंपेन, मेडिकल छात्रों को मदद हो रही है। राजस्थान पुलिस और BSF को बड़ी सफलता मिली है। भारत पाक बॉर्डर से 15 करोड़ की हीरोइन जब्त हुई है। राजस्थान अजमेर से जुड़ी खबर आ रही है, अजमेर के सबसे बड़े ब्लैकमेल मामले में नफीस चिश्ती और नसीम उर्फ टारजन समेत 6 दोषियों को स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 32 साल पहले हुए अजमेर कांड के बाकी बचे 6 आरोपियों को स्पेशल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 5-5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। और राजस्थान अलवर से जुड़ा अपडेट है, सरिस्का टाइगर रिजर्व से निकला टाइगर ST 2303 अब हरियाणा पहुंच चुका है। रेंजर शंकर सिंह ने कहा कि टाइगर के पगमार्क हरियाणा सीमा के जाबुआ गांव साबी नदी के पास मिले हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि यह टाइगर अब हरियाणा सीमा में प्रवेश कर चुका है। इस युवा बाघ को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग की टीमें लगी हैं। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट भी जान लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में 107 सड़कें बंद, यूपी के प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर चल रही है, संगम घाट डूबा, 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट है, जयपुर में भी
तेज बारिश देखने को मिली है। 12 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में भारी बरसात हुई। मध्य प्रदेश मानसून अपडेट, भोपाल इंदौर समेत 14 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। छिंदवाड़ा गुना में घरों में पानी घुस गया। आज से स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने वाला है। इंदौर में भी तेज बारिश से सड़कें डूबी, BRTS पर पानी गिरा। दिन भर में 1.5 इंच बारिश हुई। कई इलाकों में जल भराव भी देखने को मिला। इधर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जमकर बरसेंगे बादल। लखनऊ में उमस से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 से 22 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़ रायपुर में मौसम बदला, देर शाम बरसे बादल। सरगुजा में बिजली गिरने से एक बच्चे की जान चली गई। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में येलो अलर्ट है। झारखंड में भी अगले 3 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 21 अगस्त को 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाएं भी बन रही है। हरियाणा के 5 जिलों में तेज बारिश, अधिकतर जगहों पर बादल छाए। 7 शहरों में अलर्ट है। पंजाब में सबसे कम बारिश हुई है, 35% कम बरसे बादल। अब मानसून एक बार फिर से एक्टिव होने जा रहा है। 5 जिलों में फ्लैश अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल में भी मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा। 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 5 में फ्लैश फ्लड की संभावना है। अब कुछ राज्यों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान के रामदेवरा में राजस्थान का महाकुंभ भादवा मेला शुरू हो गया। 1 महीने में 50 लाख श्रद्धालु समाधि के दर्शन करेंगे। 18 सितंबर तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री बिट्टू राजस्थान से राज्यसभा जाएंगे। भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, 5 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर आए थे। लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। जयपुर समेत 5 शहरों में घरों के लिए लॉटरी निकलेगी। उदयपुर में 212 आवासों के लिए 23,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। संविदा कर्मी भी मेटर्निटी लीव की हकदार। सिविल सर्विसेज ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी किया है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। मध्य प्रदेश में प्रभारी मंत्रियों को जिले में करना होगा रात्रि विश्राम। हर जिले में महिला सशक्तिकरण केंद्र, 364 पद मंजूर हुए हैं। तबादला नीति पर चर्चा नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सुनवाई अब 27 तारीख को होगी। चिकित्सक संगठनों ने समय मांगा है। हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की तारीफ भी की है। मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। शीर्ष कोर्ट ने मंजूर की ट्रांसफर याचिका, पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में 9 IAS अफसरों के तबादले हुए। हाई कोर्ट ने बोला कि जैविक पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार है। बिन ब्याही मां के बेटे को 29 साल बाद न्याय मिला। फैमिली कोर्ट का आदेश खारिज हो गया। रायपुर में 5 से 6 अक्टूबर को नो योर आर्मी प्रोग्राम रहेगा। इंडियन आर्मी लगाएगी सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी। कलेक्टर साहब ने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। तांत्रिक बोला, पति आपको बच्चों को मारना चाहता है। छत्तीसगढ़ में महिला ने अनुष्ठान के लिए दिए 18 लाख रुपए। पुलिस से कहा कि डकैती हो गई। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा अपडेट आया है। अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। रात में फ्लैश लाइट जलाकर प्रदर्शन किया। UP कानपुर से जुड़ा अपडेट है। 500 रुपए तक के स्टाम्प खुद कर सकेंगे प्रिंट। कानपुर पहुंचे स्टाम्प मंत्री ने कहा, संपत्ति में पारिवारिक विवाद खत्म करने की तैयारी। अयोध्या में 8.5 करोड़ से कैंट में बनेगी पार्किंग। 200 बस और 302 पहिया वाहन खड़े हो पाएंगे। श्रद्धालुओं और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। लखनऊ में सरकारी जमीनों से कब्जा हटाया जाएगा। मंडला आयुक्त ने कहा कि SDM लेखपाल रिपोर्ट तैयार करें, अभियान चलाएं। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन पर 16 लाख महिलाओं ने फ्री यात्रा की है। इस बार 13 लाख महिला यात्रियों की संख्या घटी। रिटायर्ड दरोगा को व्हाट्सएप कॉल कर गलत वीडियो बनाया। युवती ने ट्रांसफर कराए 65,000 रुपए। आशियाना थाने में मामला दर्ज हो गया है। लखनऊ से मुंबई सूरत का सफर आसान होगा। रेलवे चलाएगा 22 कोच वाली स्पेशल ट्रेन। 6 से 30 सितंबर तक चलेगी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर होगा ड्रोन फ्लाइंग कॉम्पिटिशन। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में 2 दिन प्रोग्राम होगा। बिहार पटना से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। इसरो की विकास यात्रा पर फिल्म भी दिखाई जाएगी। बिहार के गांव से निकलेंगे क्रिकेटर। विलेज प्रीमियर लीग का आयोजन करेगा BCA। टर्फ विकेट निर्माण के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। पंजाब जालंधर CP का ध्वनि प्रदूषण को लेकर आदेश। रात 10 बजे के बाद हॉर्न पर प्रतिबंध। DJ साउंड पर भी लिमिट तय की गई है। पंजाब में अब ड्रोन के जरिए प्लांटेशन। पठानकोट में मंत्री लालचंद ने प्रोजेक्ट शुरू किया है। 20,000 हेक्टेयर जंगल में बीज बिखेरा जाएगा। पंजाब गवर्नर ने मानसून सत्र को मंजूरी दी है। CM भगवंत मान 2 सितंबर को बुलाने का ऐलान किया था। राज्यपाल ने ऑर्डर जारी कर दिए। अमृतसर के किसान जाएंगे संभू बॉर्डर। 31 अगस्त को हो रहे 200 दिन पूरे। ट्रेन और अन्य माध्यमों से पहुंचेंगे। हिमाचल प्रदेश मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइनें देखने को मिली। 5 घंटे बाद वन वे के लिए खोला गया। पंजाब CM भगवंत मान मुंबई पहुंच गए। सचखंड श्री हजूर साहिब में परिवार समेत नतमस्तक हुए। आज कारोबारियों और फिल्मी हस्तियों से मीटिंग करेंगे। अमित शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा 23 तारीख से। नक्सल ऑपरेशन पर बनेगी रणनीति। अन्य राज्यों के अफसर भी शामिल होंगे। वहीं आपको बताएं 28 नवंबर तक 4 राशि वालों पर बृहस्पति देव की विशेष कृपा बरसने वाली है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। सनातन धर्म में भाद्रपद महीने का भी विशेष महत्व है और इस महीने में भी कई व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने नक्षत्र परिवर्तन किया है। 4 राशि के जातक लाभान्वित होंगे। जीवन में खुशियों का आगमन होगा। मेष राशि, वृषभ और मिथुन राशि और साथ ही वृश्चिक राशि के जातकों को बड़ा फायदा मिलेगा। बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट। सोने चांदी की कीमतों में 20 अगस्त को बढ़त दिखाई दी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 261 रुपए बढ़कर 71,369 रुपए
रुपए पर पहुंच गया। चांदी 1003 रुपए बढ़कर 84,294 रुपए प्रति किलो पर आ गई। अन्ना तो ये थे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यार दोस्तों, मित्रों और जान पहचान वालों के साथ भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा। अन्ना तो एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।